उससे हाथ मिलाना चाहता है, उसे अपना कहता है। एक दिन उन्हीं गलियों में गोविंद को दूसरे बच्चों के साथ खेलने से भी मना कर दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोविंद एक रिक्शे वाले का बेटा है। गोविंद, वो दिन जब आप छोटे थे और आपको गली के दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था, आज भी याद है आपको वो दिन? शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। मेरे एरिया थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफी अमीर अमीर लोग वहाँ घर हैं। तो मैं, मेरा फ्रेंड था, उसके साथ खेलते खेलते उसके घर में चला गया था। उसके फादर थे, उन्होंने मुझसे बहुत ही वो शॉक्ड हो गया कि मैं उनके घर में कैसे आ गया, क्योंकि वो अपने आप को एलीट क्लास फैमिली का समझते थे। तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे परिवार के लड़कों को हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बात मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आई, क्योंकि फिर मैंने अपने एक वरिष्ठ व्यक्ति से जो तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन में काफ़ी अच्छे थे, उनसे पूछा कि उन्होंने ये बात क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो सामाजिक बैकग्राउंड है, तुम्हारे जो परिवार के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। तो मुझे लगा कि मैंने पूछा बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड या तो तुम्हारे पिता के वर्क से बदल सकता है, या तुम अपने आप को समाज में इतना इस्टेब्लिश कर लो कि उससे ऊपर जाने के बारे में कोई न सोचे। तो मैंने उनसे पूछा कि इस देश में ऐसी क्या चीज है जो मैं कर लूँ तो शायद उससे ऊपर सर्विस में जाने में कोई नहीं बता सकता। तो तैयारी में थे, उन्होंने बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ, मजाक में ही उन्होंने बोला था, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊपर की जॉब कोई भी नहीं है। तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि अच्छा मैं आईएएस ही बनूंगा, और उसका प्रतिफल था कि मैंने यूपीएससी की परीक्षा पहले ही प्रयास में निकाल ली थी। मतलब 6th स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं, तो शायद 12-13 साल की उम्र रही होगी आपकी। बिल्कुल। उस उम्र में आपको ये बात इतनी चुभ गई थी कि आप कहते हैं कि उसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी? हाँ, क्योंकि उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस सेवा में जाना है, और इतना ज्यादा मैं कंसंट्रेट इसके बारे में था कि लोग 10th करते हैं, 11th करते हैं तो सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं आईएएस बनूंगा। घर के हालात कैसे थे? हालात खराब थे, लेकिन हम कंपेयर कभी नहीं करते थे ये हालात अच्छे क्या होते हैं। जिसके घर खर्चा पर डे 1000 वही अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, खास करके कि हम लोग एक ही रूम में रहते थे, 5 लोग थे एक ही रूम में, मतलब खाना बनाना सभी काम एक ही रूम में होता था, तो माहौल बहुत ज्यादा टिपिकल था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी आती थी। दूसरे बच्चों को देखकर कॉम्प्लेक्स भी होता था कि मैं इन जैसा क्यों नहीं हूँ, या मेरे पास इतनी फैसिलिटीज क्यों नहीं है? होता था कभी कभी, कोई बच्चे का मन है जो 7th-8th में पढ़ता है, उसके मन में आ ही सकता है कि मेरे पास अच्छे कपड़े हों, जो हमें साल भर में एक बार मिलते थे होली पर, कई लड़कों को हर साल 3-4-5 तक मिलते थे। तो होता था, लेकिन छोटी छोटी बातें ही तो ज्यादा पिंच करती थी कि मुझे आगे और पढ़ना है, और पढ़ना है, और पढ़ना है। जो वो मैंने 6th स्टैंडर्ड में सोचा था उसे पूरा करना है, वो ज्यादा हेल्पफुल हुई कहीं तो। और जब आप बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे तो अड़ोस पड़ोस वाले आपको काफी डिस्करेज भी करते थे, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते थे? बहुत ज्यादा, थोड़ा तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा करते थे। क्योंकि मेरी सिस्टर ममता जी, जिन्होंने पढ़ाई की नींव रखी घर में, लोग बहुत उन पर पिंच करते थे कि तुम्हें तो बर्तन धोना चाहिए दूसरे घर में जाकर, तुम पढ़ने के बारे में कैसे सोच सकती हो। हमें भी सोशल काफी लोग डिस्करेज करते थे कि पढ़ लिख के ज्यादा क्या होगा, एक रिक्शा या दो रिक्शा रख लोगे, तुम भी चलाओगे दूसरे से चलवाओगे। गुस्सा नहीं आता था? आता था, लेकिन कर क्या सकते थे, या तो हम उस गुस्से उसी समय निकालते लड़कर और अपनी स्थिति को वीक करते, या उसी एनर्जी को बचा कर रखे तो एग्जाम में लगाते। जिन गलियों में आपके बचपन में इतनी सारी परेशानियां हुई हैं, आपने लोगों के इतने ताने सुने, आपको पता ही होगा कि उन गलियों के लोग अब आज आप पर बहुत फख्र करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें पहले से पता था कि हो जाएगा। जबकि ये ऑब्वियस था कि लोग कहते थे कि इस परीक्षा में कोई निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं उनमें से कोई किसी आईएएस ऑफिसर के साथ मिला भी नहीं होगा आज तक। नहीं मिला होगा। दिल्ली जब आप आए, आईएएस के लिए कोचिंग करते हैं बच्चे, बहुत खर्चा होता है, दिल्ली आकर रहते हैं छोटी छोटी जगहों से, यहाँ अपने खर्चे बड़े शहर के बहुत सारे होते हैं, वो सब कैसे मैनेज किया? मेरे फादर के पास थोड़ी जमीन थी, उन्होंने उसको बेच दी स्टार्टिंग, लेकिन हम दिल्ली जाएं तो हमें इस्टेब्लिश होने में या कुछ करने में कम से कम 1-2 महीने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे यहाँ पर। सबसे छोटी छोटी गीता दीदी, उनकी इकोनॉमिक स्थिति थोड़ी ठीक थी, तो वो अपने ससुराल वालों से लड़के मेरी सपोर्ट करती थी, क्योंकि विश्वास तो किसी को नहीं था, केवल मेरी सिस्टर्स को छोड़कर। आपने बहुत खुद के लिए बहुत परेशानियां सही, टिफिन आप आधा खाते थे एक दिन में, हर चीज बहुत बचा बचा कर आप पैसे खर्च करते थे कि ज्यादा पैसा खर्च ना हो जाए। जो हमारी परेशानी थी कि हमने हाफ टिफिन किया, या एक बार तो था कि हम 150 रुपया महीना ही केवल बचा था,
मतलब खाना के देने के बाद जो दो टाइम हाफ खाते थे उसका 150 था, कि दोनों टाइम अब चाय भी हम संभव नहीं था कि पी पाए, क्योंकि दिल्ली में 4 रुपए का 1 कप चाय होता है, तो इतना भी मेरे पास नहीं था कि हम दोनों टाइम चाय पी पाते। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा, हम और मजबूत हुए उभरे ना, और हमारी परेशानी थी हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। उसका फिजिकल प्रॉब्लम बहुत झेलना पड़ा, बहुत कमजोर हो गए, बहुत बीमारियां हो गई, बट मेंटल बहुत हम टफ हुए उससे। सुनाते हैं आपको। मैंने उसको पहली बार देखा जब वो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन कैंप में आया। हर हमारे सेशन के बाद वो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लेता था, क्योंकि उसके 4 से 5 सवाल एक्स्ट्रा होते थे, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता था वो छोड़ता नहीं था। मुझे कई बार ये लगता था कि विद्यार्थी इतना झक्की क्यों है, ये वास्तव में इंटरेस्टेड है या दिखाने में इंटरेस्टेड है। अब इसका अंदाजा लगाना उस समय कठिन था। मेरी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गोविंद जायसवाल का कहना है कि आज वो जो कुछ भी है उसका सारा श्रेय उनके परिवार को, उनके पिता को, उनकी बहनों को जाता है। उनका परिवार उनके लिए क्या सोचता है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी लाइव में आज हमारे साथ हैं गोविंद जायसवाल। बनारस में एक कमरे के घर में पले बढ़े, पड़ोसियों के ताने सहे, गरीबी देखी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, और उसी की बदौलत आज वो एक IAS ऑफिसर है। आज आप जो कुछ हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए किस किस को शुक्रिया कहना चाहेंगे, धन्यवाद कहना चाहेंगे? मेरी सिस्टर्स हैं, ममता दी और गीता दी। ममता दी तो पता नहीं किस जन्म का पुण्य था कि ऐसा मिला था कि जब हम इंटरव्यू देने जा रहे थे, UPSC का फाइनल एग्जामिनेशन था, तो वो प्रेग्नेंट थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस कुछ आ गई थी, और मेरा इंटरव्यू था अप्रैल में, तो उन्हें डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें दे दी पैसा 5,000 कपड़े और जूते खरीदने थे इंटरव्यू के लिए। लोगों ने पूछा क्या करूँ, क्या नहीं, उसका रिजल्ट आएगा 14 मई को ना, उसके बाद हम करवा लेंगे। वो विश्वास हम टूटने नहीं देना चाहते थे, और उसी की मतलब बदौलत था कि UPSC ने हमें 70% मार्क्स दिए थे, जो ऑल ओवर इंडिया हिंदी माध्यम में सर्वोच्च मार्क्स थे। तो और उन अभावों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्हें मुझे सबसे ज्यादा शक्तिमान बनाया। गोविंद, आज ममता दीदी आपसे कुछ कहना चाहती है। गोविंद शुरू से बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में वो हर हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, और आज जो भी किया है सिर्फ अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से किया है, और सबकी मदद तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका कहना था कि दीदी अभाव के प्रभाव से व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें याद करके आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अब जिंदगी ही अब चूंकि संघर्षपूर्ण रहती तो उसको देखकर आंसू तो आ ही जाते हैं, बट लगता है कि आदमी अगर प्रयास करे तो कोई चीज असंभव नहीं रह गई है। पिताजी ने जब रिक्शा बेचा, वो एक तो उनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है कि वो बहुत सिंपल पर्सन है, और वो कभी भी हमको गाइडेंस नहीं दी, इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि हमें जानकारी नहीं है और अपनी जानकारी को हम तुम पर इम्पोज नहीं करेंगे, तो कहते जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा, क्योंकि उनको तो 4 साल से पैर में सेप्टिक हो गया था, तो वो चल नहीं पाते, तो उनके पास 3-4 रिक्शा थे जिसके बल पर वो किराए पर दे देते थे, लेकिन कभी कभी एक साथ में पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, जो चीज है तुम्हारे लिए तो है, चाहे किसी के पास 2 लाख 4 लाख रहता है, हमारे पास 2-3 रिक्शा है, वो तुम्हारा ही है, तो उसको भेज देते हैं। गीता, मैं आपसे अगर पूछूं, बहुत कम ऐसे उसमें माता पिता कई बार इतनी देर तक साथ दे पाते हैं, लगता है कि अब लड़का कमाना शुरू करे, आप लोगों को कभी लगा कि आपके पिता ने बहुत ज्यादा साथ दिया आप लोगों का? हाँ, मतलब साथ तो बहुत दिए, क्योंकि इनकी वो जो कैपेसिटी किसी तरह थी नहीं, फिर भी अंदर से कभी कभी इनका मनोबल टूट जाता था, तो हम लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं, मतलब एक चांस तो देना ही चाहिए। आप बहुत होशियार थे, आपने बहुत मेहनत की थी, तबीयत अपनी खराब कर ली थी, सब कुछ किया था, लेकिन आज भी ये ख्याल आकर रूह कांपती होगी कि अगर सिलेक्शन नहीं होता तो उस दिन क्या होता, 14 मई को आपका रिजल्ट आया। सर पूछे तो हम इसका आंसर दे रहे हैं, गोविंद का तो कुछ होता नहीं, लेकिन न जाने कितने लोग मर गए होते, मर जाते थे, बता रहे हैं। टाइम काफ़ी टफ था उस समय, अगर ना होता तो मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी उस समय। हमारे रिजल्ट के 10-15 दिन पहले तो
बाबू जी रोटी अचार में पानी डाल के खा रहे थे। तो ऐसे सोचे कभी नहीं पट न होता तो उसको भी संभालते किसी तरह, बट टाइम काफी टफ हो जाता, उतना झेलने की क्षमता थी कि नहीं। हम तो ना सोच के तो पैरालाइज हो जाता हमको, केवल हम नहीं सोचे, इसलिए हमेशा सोचते थे होगा होगा, क्योंकि हमको निश्चित हम ना सोच के ही हमको अटैक आया था। इसीलिए कहे ना, शादी के 6 साल बाद हम खुश हुए जब ये सिलेक्शन हुआ। शादी के 6 साल तक हम आग में झूलते हैं, सब मेरे साथ मौजूद होते हुए लगे कि हम एकदम अभाव में है। जब मेरा भाई 5 रुपए की चाय नहीं पी सकता तो हम अपने घर में चाय पी सकते थे, सुबह हो इसके नाम से, रात हो इसके नाम से। सब अभाव एक साथ फिर आ जाए, इन लोग रहे हम इन लोग को चूज कर लेंगे, तो अभाव को भी साथ ले लेंगे, लेकिन इन लोग को हम नहीं छोड़ सकते। इन लोग से हमारे इसमें बहुत जरूरत है। और गोविंद, मैं आपको बताऊं, जिंदगी लाइव आपसे आज क्या चाहता है। हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी लिखें, वो सब कुछ लिखें जो आपने देखा है, आपने सहा है, और ऐसी कहानी लिखें जिससे देश के ढेर सारे बच्चे जिन्हें बहुत सारी चीजें नहीं, बहुत सारे सुख नहीं मिल पाते हैं, वो आपसे सीख ले सके। और इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए। और आज हम चाहते हैं कि इस परिवार के लिए, ऐसे पिता के लिए और ऐसी बहन के लिए हम सब अगर खड़े होकर तालियां बजाएं, इस परिवार को हमारा सैल्यूटेशन।